ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम मुंह में जाते ही घुल जाने वाले कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। और ये फ्रेंड्स हमने आज बनाए हैं जो कच्चा केला होता है उसके कोफ्ते। खाने में ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, आप एक बार इसको ज़रूर बनाकर देखना। और ख़ास ये है, इसको आज हम बंगाली स्टाइल में बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम कैसे बनाएं। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम कोफ्ते बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 5 कच्चे केले और इसी के साथ में हमने 2 आलू ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम केले को इस तरीके से कट करेंगे, ये देखिए दोनों साइड से इसको कट कर लेंगे, सारे केले इसी तरीके से कट कर लेने हैं। और अब इनको हमें बॉईल करने के लिए रखना है। तो मैंने यहाँ पे कुकर ले लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया है, यानी 2 गिलास के आसपास। और केले को कट करके सारे केले इसी तरीके से कटिंग करने के बाद में और इसके अंदर डाल देंगे कुकर में। इसी के साथ में हमने 2 आलू लिए हैं। इन आलूओं को भी एकदम अच्छे से धोकर पहले साफ कर लेना है और फिर इसके अंदर डालना है, नहीं तो इसकी जो मिट्टी रहेगी वो केले के अंदर चली जाएगी। इसलिए पहले से धोकर ही इनको इसके अंदर ऐड करें। उसके बाद में इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक, बस यही चीज़ें इसके अंदर हमें ऐड करनी है। अब कुकर का ढक्कन लगाकर इसको गैस पे रख देते हैं और इसमें हमें 3 विसल आने देनी है। उसके बाद में हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और फिर कुकर का प्रेशर अपने आप निकलने देंगे। उसके बाद में हम कुकर खोलेंगे। इसके बाद में इसके मसाले देख लेते हैं। मसाले में हमने यहाँ पे 1 बड़े आकार का प्याज लिया था और उसका हमने पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ पे केवल प्याज पीस कर लिया है। इसी के साथ में हमने 2 बड़े आकार के टमाटर की भी प्यूरी बना ली है। 1 मीडियम आकार के प्याज को बारीक चॉप किया है। और इसके बाद में हमने कुछ खरे मसाले लिए हैं। इसमें हमने तेज पत्ता, दालचीनी, लाल मिर्ची, जावित्री, जीरा, हरी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च, और थोड़ी सी हमने लौंग ले ली है 4-5। इसके बाद में हमने लिया है यहाँ पे थोड़ा सा कसा हुआ सूखा गोला होता है वो, आप कच्चा नारियल भी ले सकते हैं और सूखा गोला भी, दोनों चल जाएंगे। साथ में हमने यहाँ पे 100 ग्राम बेसन ले लिया है, कोफ्ते बनाने के लिए लगेगा। और ये हमने कुछ सूखे मसाले लिए हैं फ्रेंड्स। इसमें हमने हल्दी, धनिया और लाल मिर्ची, और थोड़ी सी हमने कलर के लिए इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची भी ऐड की है। तो ये मसाले आप अपने टेस्ट के अनुसार इसके अंदर ऐड कर ले। मैंने 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1.5 छोटा चम्मच सूखा धनिया लिया था। साथ में हमने ये ले लिया है थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ में आप केले और आलू बॉईल किए हुए देख रहे होंगे। तो अब इसका हम छिलका निकाल लेते हैं और इनको छिलका निकालने के बाद हमें बाकी की सामग्री ऐड करके कोफ्ते बनाने की तैयारी करनी है। तो यहाँ पे हमने छिलका हटा दिया है, इसमें सूखे मसाले ऐड कर लेते हैं। 1/2 छोटा चम्मच डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच इसमें हम ऐड कर लेंगे जो लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया था वो। अब बंगाली स्टाइल में बना रहे हैं तो इसमें हमें थोड़ा सा खोबरा डालना है। तो यहाँ पे मैंने ये कसा हुआ खोबरा लिया है, जो सूखा खोबरा होता है वो। और इसी के साथ में फ्रेंड्स इसमें हम थोड़ी सी प्याज डाल लेते हैं बारीक कटी हुई। साथ में इसमें कलर के लिए 1/2 छोटा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर नहीं डालनी है तो कोई बात नहीं है। और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा बेसन मिक्स करते हुए और अच्छे से इसका डोसा हमें लगाकर तैयार कर लेना है यहाँ पे। और इसमें से हमने कुछ बेसन बचा लिया है, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे, साथ में नमक भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप कितना बेसन इसके अंदर ऐड कर रहे हैं उसके हिसाब से नमक ऐड कीजिए, क्योंकि अगर आप पहले ही ऐड कर लेंगे तो नमक कम या ज़्यादा हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से मसल लिया है, आपको लगे यहाँ पे तो थोड़ा थोड़ा बेसन ऐड करते जाएँ और इसको अच्छे से मिलाते जाएँ। तो मेरा यहाँ पे पूरा बेसन लग गया है, मैंने 100 ग्राम बेसन लिया था और ये इस तरह का डो लगकर तैयार हुआ है। इससे ज़्यादा सख्त इसे हमें नहीं करना है, नहीं तो कोफ्ते भी सख्त हो जाएंगे। अब हाथ पे थोड़ा सा तेल से हाथ को ग्रीस कर लेंगे इस तरीके से और इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर बिल्कुल नींबू के जितना, और इसके हम कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेंगे। सच मानिए फ्रेंड्स, आप कोफ्ते इस तरीके से बनाकर देखना, बेहद ही नरम और स्वादिष्ट से कोफ्ते बनकर तैयार होते। सारे कोफ्ते बनाने के बाद में फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने गैस के ऊपर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल बिल्कुल अच्छे से गर्म है। तो इसमें एक एक करके इस तरीके से हम कोफ्ते ऐड कर लेंगे, एक बार में जितने आएंगे। एकदम बढ़िया से कोफ्ते बनाने के लिए फ्रेंड्स, पहले जो ऑयल है ना, ये एकदम अच्छे से गर्म होना चाहिए, उसके बाद में आप इसमें कोफ्ते डालें। तो ना तो कोफ्ते ज़्यादा तेल पी पाएंगे
और एकदम ही सॉफ्ट से कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। ये बात आप ध्यान रखिए, जब ये थोड़े से सीख जाएंगे उसके बाद में हम एक जर की सहायता से इनको पलट लेंगे और इनको पलट पलट कर हमें एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेक कर लेना है, ताकि ये अच्छे से पक भी जाए और इनके अंदर ज्यादा तेल भी ना जाए। एक बार के कोफ्ते फ्राई होने में लगभग 3 से 4 मिनट के बीच का टाइम लग जाता है, उससे ज्यादा समय नहीं लगता है। जब इसमें इस तरह का कलर आ जाएगा तो इनको हम एक दूसरी जर में निकाल लेंगे, ताकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो कढ़ाई के अंदर चला जाए। और उसके बाद में हमें सारे कोफ्ते इसी तरीके से फ्राई करके ले लेने हैं। कोफ्ते बन चुके हैं हमारे, इसके बाद में हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो जो मसाला हमने मिक्स करके रखा था यहाँ पे, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, तो उसको हम पहले पानी के साथ इस तरीके से भिगो लेंगे। इसको अच्छे से भिगोने के बाद में और अब चलते हैं इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख ली थी, यहाँ पे हमने बड़ी कढ़ाई ली है कोफ्ते बनाने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल, तो जो ऑयल में हमने अभी अभी इसके कोफ्ते तैयार किए थे वो गर्म ऑयल इसके अंदर मैं ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पे हमें 1 से 1.5 बड़ा चम्मच ऑयल इसके अंदर ऐड कर लेना है। अब जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें खड़े मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले 1 तेज पत्ता, साथ में 2 लाल मिर्ची ली है मैंने, 1 बड़ी इलायची, इसको हल्का सा तोड़ कर ले लिया है ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए, साथ में 3 हमने ली है हरी इलायची। इसके बाद में लेंगे थोड़ी सी, ये हमने जावित्री ले ली है। अगर एक आधा खरा मसाला नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके पास जितने हैं आप उतने ऐड कर ले। साथ में हमने दालचीनी इसके अंदर ऐड की है, और ये काली मिर्च, लौंग और 1 छोटा चम्मच जीरा, ये भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। सारे खरे मसाले इसके अंदर ऐड करने के बाद में इनको चलाकर हमें थोड़ा सा भून लेना है, ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। इनका फ्लेवर आने के बाद में और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कटी हुई प्याज। तो थोड़ी सी प्याज बची थी, कुछ हमने कोफ्ते में डाल ली थी, तो वो प्याज इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। प्याज में भी हल्का सा कलर आने देंगे, इसको हल्का सा सोते होने के बाद में इसमें हमने जो पानी के साथ में मसाला भिगो के रखा था अभी वो मसाला ऐड कर लेंगे। अब ये मसाला हम कढ़ाई के अंदर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने मसाले में ज़्यादा पानी नहीं डाला था, बिल्कुल थोड़ा सा पानी के साथ में घोल कर लिया था। इसी के साथ में 1 छोटा चम्मच इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, इसको अच्छे से मिला लेते हैं। मिलाते हुए इसको हमें अच्छे से लगभग 1-2 मिनट के लिए इसको हमें भून कर लेना है। इतने में ये अच्छे से भून कर तैयार हो जाता है। इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे जो हमने प्याज पीस कर ली थी, ये भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं, और इसको भी हमें अच्छे से भून कर लेना है ताकि अच्छे से पक जाए। इसी के साथ इसमें हम थोड़ा सा खोबरा भी डाल लेते हैं, और अब इसको हमें इतना पकाना है कि ये सारी जो इसके अंदर मसाले हैं ये अच्छे से पक जाए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मसालों का पानी बिल्कुल सूख गया है, तो इस टाइम पे हम इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिलाते हुए इसको भी हमें एकदम अच्छे से पका कर लेना है। 1 छोटा चम्मच इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, और सारे मसालों को हमें बिल्कुल अच्छे से पकाना है, ताकि इनका जो फ्लेवर है वो कच्चा कच्चा ना आए, अच्छे से भुनने के बाद में ही इसका ज़्यादा अच्छा स्वाद आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मसालों को प्रॉपर भून कर ले रही हूँ समय लगाकर, और मैं आपको ये जल्दी जल्दी इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाता है। तो हमने यहाँ पे मसाले अच्छे से भून लिए हैं। इसके बाद में अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम पानी। मसाले जब तक भूनने होते हैं, जब तक कि इसमें से आपको ऑयल नज़र आने लग जाए बिल्कुल अलग से, तो यहाँ पे पानी हमें इतना ऐड करना है। फ्रेंड्स, मैंने इसमें 3 गिलास पानी ऐड किया है कि हमारे कोफ्ते जो है ना बिल्कुल आसानी से इसके अंदर डीप हो जाएं। पानी मिलाने के बाद में इसको हमें इस तरीके से अच्छे से मिलाकर और बॉईल होने देना है। तो इसके साथ में हम इसमें नमक भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 छोटा चम्मच नमक इसके अंदर ऐड किया है। अब इस पर ढक्कन लगाकर इसमें अच्छा सा बॉईल आने देंगे। जब इसमें इस तरह का बॉईल आ जाएगा फ्रेंड्स, और इसको हमें खुला छोड़कर लगभग 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही पकने देना है। उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे कोफ्ते, जो हमने कोफ्ते बनाकर रखे थे वो पूरे ऐड कर देंगे। सारे कोफ्ते ऐड करने के बाद में और अब इसके अंदर हम इस तरीके से चम्मच रखेंगे और ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। यहाँ पे ढक्कन को हमें एकदम पैक नहीं करना है, थोड़ा सा खुला छोड़कर लगाना है, और इसको हमें 5 मिनट तक धीमे धीमे आंच पर पकने देना है। उसके बाद में आप देखेंगे तो हमारे कोफ्ते जो है बनकर तैयार हो चुके होंगे। अब इसको कट करके देख लेते हैं, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट वे में कट रहा है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये तैयार हो गया है। मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ, तो आप जरूर ट्राई करना। सच मानिए बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग सी रेसिपी बनकर ये तैयार होती है, आपको बेहद पसंद आएगी, बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है, तो आप जरूर ट्राई करना। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।